यूपी की सियासत में बड़ी आग है। कल तक जो अपने थे वो आज बेगाने हो गए हैं, सारे नाते रिश्ते पुराने हो गए हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव ने अगले 2-3 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर दिखा दी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस यूपी में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, उस लड़ाई में अखिलेश अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस से तो यूपी में क्या ही उम्मीद की जाए। मनोज पांडे, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, ये तीनों वो बड़े नाम थे जिन पर अखिलेश यादव आंख मूंद कर भरोसा करते थे। इनके बीच ही बैठकर चुनावी रणनीति तय करते थे, टिकट देते थे और टिकट काटते थे। इनमें से दो नाम, मनोज पांडे और जयंत चौधरी, अब अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं। पल्लवी पटेल जैसे तैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस्तीफे की ये चिट्ठी देखिए। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप मनोज पांडे ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचेतक किसी भी विधानसभा में किसी पार्टी का वो चेहरा होता है जिस पर अपनी पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी होती है। अंग्रेजी के चीफ व्हिप के लिए हिंदी का बड़ा ही अच्छा शब्द है मुख्य सचेतक, यानी वो नेता जो सबको सचेत करता है। संसद और विधानसभा की बैठकों में पार्टी की तरफ से सभी सदस्यों को निर्देश जारी करता है। सभी को चीफ व्हिप की बात माननी होती है। सियासी मर्यादा के लहजे में कहें तो एक समय मनोज पांडे सदन के अंदर जो कहें वो नेता विपक्ष अखिलेश यादव को मानना होगा, लेकिन अब जिस पर अखिलेश की पार्टी के सभी विधायकों को संभाले रहने की जिम्मेदारी थी, वही उनसे अलग हो गए हैं। अरे तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा है अभी और टूटेंगे, अभी और क्रॉस वोटिंग वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? कार्रवाई करेंगे क्या? आप लोगों का पाला छोड़ के चले गए, कार्रवाई करेंगे? पाला बदल दिया, कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों का? नहीं आएगा ना, तब इसी तरीके से क्या होगा? एक्शन होगा कि शिवपाल जी में लोगों को जो क्रॉस वोटिंग करके गए हैं। राजनीति में भरोसे का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जब सिर्फ निजी फायदा और अपना पॉलिटिकल करियर ही सबसे बड़ी विचारधारा बन गया हो तो समय के इस बहाव को रोक पाना कठिन होता है। जैसे अखिलेश यादव के लिए ये बेहद कठिन साबित हो रहा है। यूपी में राम लहर और मोदी लहर की सुनामी में बड़े बड़े नेताओं को अपने अस्तित्व का संकट सता रहा है। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद आप ये भी जान लीजिए कि मनोज पांडे का नया ठिकाना बीजेपी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है और यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने उनकी सीएम योगी से बात कराई है। अब सूत्र बता रहे हैं कि मनोज पांडे को अगले 2-3 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाया जाएगा। अब चुनावी अटकलें तो ये भी हैं कि मनोज पांडे रायबरेली सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसका अंदेशा तो कई दिन से लग रहा था, लेकिन जब अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में जो 8 विधायक नहीं पहुंचे थे उनमें मनोज पांडे का नाम भी शामिल था। मनोज पांडे के इस्तीफे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद ये बात पक्की मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे की इतनी चर्चा नेशनल मीडिया में आपने इसके पहले शायद ही सुनी होगी, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के जमीनी नेता रहे हैं। 2012 में पहली बार रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से जीतने के बाद अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2022 में जब यूपी में योगी की प्रचंड लहर चली तो उसमें भी वो ऊंचाहार सीट से जीते। अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे मनोज पांडे पर बीजेपी की लंबे समय से नजर थी। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर बीजेपी किसी भी तरह कब्जा करना चाहती है।
अगर 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे बीजेपी के टिकट पर रायबरेली से मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। कांग्रेस अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारती है तभी चुनाव मुकाबले का हो सकता है, वरना रायबरेली सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। मनोज पांडे रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार बने तो आसपास की 4-5 लोकसभा सीटों पर इसका असर दिख सकता है। तो क्या सिर्फ राम लहर और मोदी लहर ही अखिलेश यादव के तरकश के एक एक तीर काट रही है या वजह कुछ और है? हकीकत तो यह है कि अखिलेश यादव सनातन के मुद्दे पर अपनी पार्टी के सवर्ण नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के विरोध में एक के बाद एक उल जलूल बयान दे रहे थे। मनोज पांडे पार्टी के अंदर लगातार इसका विरोध कर रहे थे। जब सीएम योगी यूपी के सभी विधायकों को अयोध्या ले जाने की बात कर रहे थे तो मनोज पांडे भी इसके पक्ष में थे, लेकिन अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक की इतनी चिंता है कि उन्होंने अपने सिपे सलारों की बात को दरकिनार कर दिया। नतीजा सामने है, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं। विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं, वोट कास्ट करके जा रहे हैं, राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। क्या सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर, आदरणीय योगी जी के ऊपर सबको बहुत विश्वास है, इसलिए सारे लोग मोदी जी के साथ आना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाह रहे हैं। और सभी चाहते हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बना के विश्व में स्थापित करना है, उसमें उनका साथ दे, इसलिए सब साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, राम गोपाल यादव जी का कहना है कि जो कुटुंब मुद्दे थे वो पंजाब में लगाते हैं, जो भी कहें उनको पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपने एक अवसरवादी गठबंधन किया है, कांग्रेस पार्टी जिसने आपको धोखा दिया, जिसकी आपकी सरकारें गिराई उनके साथ आपको, आम आदमी पार्टी जिसका राइज हुआ माननीय मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे, उनको कितनी मंच से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तो उनके साथ आप गठबंधन कर रहे, ये कहां जनता देख रही है कि अवसरवादी कौन है, कैसे कोई चला जाएगा? और जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के खिलाफ जा नहीं सकते। यदि हमारी जनता नहीं चाहती है कोई चीज तो या तो मैं जनप्रतिनिधि ना रहूं या मैं अपनी जनता की बात सुनूं। जनता सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब राममय है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मोदी जी योगी जी के ऊपर, उनकी नीतियों पे, उनकी नियत पे, उनकी निष्ठा पे जनता को अपार विश्वास है, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। पीडीए का मोटा मोटा अर्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, जिसमें अगड़ों के लिए स्पेस बहुत कम होता जा रहा है। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूला की एक बड़ी नेता है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल वैसे तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है, लेकिन इनकी राह अनुप्रिया पटेल से अलग है। इनके पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल कभी यूपी की राजनीति में बड़ा नाम हुआ करते थे। कुर्मी जाति से आने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल 2022 में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने यूपी के कौशाम्बी जिले से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। जब केशव प्रसाद मौर्य को जिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा था, तब पल्लवी ने ये करिश्मा किया था। पल्लवी पटेल पर अखिलेश यादव को बहुत भरोसा रहता है, लेकिन हाल के कुछ दिनों से पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव से नाराज बताई जा रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए जब उनके क्रॉस वोटिंग की खबरें उड़ी तो अखिलेश ने खुद पल्लवी को फोन किया, दोनों में तीखी बहस की खबरें भी आई। कहते हैं अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया, जिसको जहाँ जाना हो जाए। इसके बाद पल्लवी पटेल हालांकि अभी मान गई हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट दिया है। वोट देने के बाद पल्लवी पटेल ने कहा, मेरे वजूद में धोखा नहीं है, मैं धोखा और गद्दारी नहीं कर सकती, मैंने पीडीए को वोट किया है। पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पल्लवी जी, राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, आपका क्या रुख रहा है? मेरा रुख और मेरी प्रतिबद्धता जो है वो पीडीए की है और मेरा वोट भी पीडीए। कहा जा रहा था कि आप चलो चेक चेक हां हां बात ठीक है, बताना उनकी तरफ से व्यक्ति गई आपकी नाराजगी है? हां भाई, मेरी नाराजगी जो थी मैं जाहिर कर चुकी हूं पीडीए को। अखिलेश यादव से फोन पर हॉट टॉक पर भी पल्लवी पटेल ने बात की। उन्होंने कहा, मैं झगड़ा कर ही हक लेती हूँ, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे झगड़ कर बात कर सकती हूँ। मनोज पांडे और पल्लवी पटेल के बारे में आपने जान लिया। अब जैसा कि आपको पता ही है, जयंत चौधरी पहले ही एनडीए की तरफ जा चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी के सभी 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। हमने आपको बताया कि यूपी के 3 बड़े नेता जो खासम खास थे अखिलेश के, इन्हीं तीनों के सहारे अखिलेश बड़े बड़े दावे कर रहे थे।
इन तीन में अब दो उनका साथ छोड़ चुके हैं और तीसरी डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को कैसे बड़ी चुनौती दे पाएंगे, कैसे अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी का विजय रथ यूपी में रोक पाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।